फर्स्ट तो गेस करिए अभी हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग हैं जादूगर में। नाम पे मत जाइए, ये जादू वाला जादू नहीं है, मतलब मैजिक वाला जादू नहीं है। ये म्यूजियम है पटना का, पुराना वाला जो म्यूजियम है ना, अभी ज़्यादातर लोग नए वाले म्यूजियम में घूमने जाते हैं, तो अभी मैंने सोचा कि आपको पुराना वाला म्यूजियम भी घुमा ही दिया जाए। ये आपको पटना के बुद्धा मार्ग में मिल जाएगा ये वाला म्यूजियम, इसको ज़्यादातर लोग जादूघर के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और टिकट के प्राइसेस वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप कैमरा लेके जाओगे तो आपको 100 रुपये लगेगा फ्लैश कैमरा के लिए, वीडियो कैमरा के लिए 250 लगेगा, उसके बाद वैसे वैसे बढ़ते जाएगा रेंज, और मोबाइल कैमरा के लिए 20 रुपये। और जनरली टिकट यहाँ पे 15 रुपये लगता है, पर विशेष टिकट होता है वो उसमें 100 रुपये और लगेगा आपका, और विदेशियों के लिए अलग ही चार्ज है। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। ये आप जब मेन गेट से एंट्री करोगे तो आपको ये दिखेगा सुंदर सा नज़ारा। ये पता है आपको, 1917 बोले तो अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है। इसमें इमारत वगैरह सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है, जैसे मतलब मजबूती जो कही जाती है ना इमारतों की, बनवाते अंग्रेज़ लोग हमें लोग से थे, पर बढ़िया बनवाते थे, मतलब हमारे ही देशवासियों से बनवाते थे। अभी भी तो हमारे ही देशवासियों से बनाया जाता है, पर वो वाली बात अभी नहीं दिखने को मिलती है। ये देखिए, ये इसके अंदर जाना मना था, तो आप यहीं से देख लीजिए। ये सूरज जा रहा है, उसके साथ ओमी जा रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ा फास्ट फास्ट चलते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, इसका पता नहीं कितना पार्ट बनेगा। यहाँ पे ना स्टैचूज बहुत सारे हैं, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है यहाँ 45,000 से भी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब व्यवस्थित तरीके से, ऐसा मैंने पढ़ा है कि व्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं। अब कैसे रखी हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन डिस्प्ले में कम चीज़ें, उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा पाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर जगह की थोड़ी सी कमी हो जाती है डिस्प्ले के मैटर में, मतलब डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है। तो आप ये देख सकते हो, ये तीनों जने जा रहे हैं आगे आगे और मैं पीछे पीछे रिकॉर्डिंग करती जा रही हूँ। मंदिर जी, इनका मैंने व्लॉग बनाया है, वीडियो अच्छे से उसमें आपको दर्शन हो जाएंगे, तो अगर आपको देखना हो तो मैं लिंक ऊपर में यहाँ पे शो कर रहा होगा, आप देख लेना लिंक पे क्लिक करके। और लाइव देखना हो तब तो जाके वहाँ पे दर्शन कर लेना, अच्छा होता है। टेम्पल बोध गया, यहाँ भी मुझे जाना है यार। अशोका पिलर एंड कोलगुआ स्तूप, यहाँ भी मुझे जाना है, मुझे यहाँ पे जितनी चीजें लगी है ना वो सब जगह जाना है। ये जो आपको दिख रहा है ना विश्व शांति स्तूप, इसी का एक छोटा सा मॉडल आप कह सकते हो ऊपर बना हुआ है, उसी को देखने के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, और ऊपर कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिसको देखने के आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले नीचे देखने, क्योंकि अभी ऊपर का वो लॉक नहीं खुला हुआ था, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह मतलब 11-12 बजे के करीब वहाँ पर पहुँच गए थे। सिग्नेचर मॉन्यूमेंट्स ऑफ बिहार, ये सारी चीज़ें जो भी है ना सब बिहार की ही आपको दिखाई जा रही हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं नेचुरल हिस्ट्री गैलरी में।
या आप देख सकते हो ये सारे जो भी आपको एनिमल्स दिखने वाले हैं ना, सारे के सारे असली। आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग मेरी तरह स्टूपिड थोड़ी हो। मैं जब गई थी तो मुझे पता नहीं था कि ये सारे असली है, पर यहाँ पे देखने में इतना ज़्यादा मतलब रियल टाइप का लग रहा था ना। फिर मैंने आगे सर्च किया इसके बारे में, कुछ स्टडी वगैरह की, तब जाके पता चला कि सारे के सारे ये बटरफ्लाइज वगैरह जो भी है, छोटी छोटी तो छोटी है, बड़े बड़े जो जानवर है वो सारे के सारे असली है। ये जो बटरफ्लाइज थे ना, इतने टाइप्स के मतलब बटरफ्लाइज, हर साइज के, हर कटे, कुछ टूटे उटे हुए थे, पंख वंख इधर उधर हो रखे थे। ये देखिए, इसमें हर तरह का मतलब आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जितने भी तरह के पाई जाती हैं हमारे बिहार में खास करके। ये देखिए, और सबसे यूनिक वाला जो मैंने दिखा था ना, ये कटोरी में आपको क्या रखा है देख के बताइए, तो कमेंट करके बताइए, मतलब जो कटोरी में रखा हुआ है क्या है, मैं आपको बताऊँगी। ये इस टाइप के बटरफ्लाइज मैंने पहली बार देखे यहाँ पे, सम मॉथ्स ऑफ इंडिया, मतलब मेरे लिए तो बटरफ्लाइज यहाँ पे मैंने पहली बार ही ऐसे देखे। कुछ के पंख टूटे थे, टूट के उसी में गिरे हुए थे। ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो नकली ही होंगे, खैर मैं नहीं कुछ कह सकती, मुझे नहीं पता असली है कि नकली। इसमें वैसे वो, हाँ इसमें भी रखा हुआ है, मतलब ये भी असली है, इसमें भी कटोरी में वो रखा हुआ था सिलिका जेल, मैंने बता दिया, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है वो। और ये देखिए, यहाँ पे भी कटोरी में रखा हुआ है सिलिका जेल। ये हॉर्न्स वगैरह मुझे लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है वही है ये देख सकते हो आप, इस तरह से रखे गए हैं। जैसे मैंने पढ़ा था ना कि कुछ कुछ के खराब हो रहे हैं, तो उसकी जगह पे फिर भूसा वगैरह भर के, मतलब कुछ कुछ भर के रखा रहा है जो कुछ के खराब हो रहे हैं असली वाले पार्ट्स। तो इसके साथ मैंने फोटो खिंचवाई है इस बाग के साथ, आप देखिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे उसको फोटोज अपलोड करूंगी वीडियोज अपलोड होने के बाद। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा था सामने से देखने पर ना कि अभी बोल देगा, अभी चलने लगेगा। ये सारे बर्ड्स हैं, ऐसा मैं क्या मतलब मैं ऐसा कहूँगी कि आपको बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए, खास करके उनको जिनको हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट हो, हिस्ट्री पॉली आर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो ये देखिए, अभी आप लोग देख सकते हैं इसको, हमने देखा था क्या इस टाइप के कुछ जू में, की वीडियो नहीं देखी आपने तो देख लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये देखिए सारी चीजें मतलब यहाँ पे ना रियल वाली है, बिल्कुल नेचुरल सारे बर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, इसकी आईज भी असली होंगी ना, मतलब ऐसा क्यों रखा गया है इन लोगों को मेरी समझ में नहीं आ रहा, मतलब अब सोच विकसित नहीं है मेरी या क्या ये मुझे नहीं पता, पर मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों रखा हुआ है इन लोगों को, ऐसे रखने से क्या होगा। आप लोगों को पता है तो थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, हम तो अज्ञानी लोग हैं। ये साहिल है, हमने जू में देखा था ना इसको भी, देखा था या नहीं बताइए जल्दी इसको। ये बड़ा वाला है और इसके ऊपर ये छोटा वाला है, क्या इनको वैसे मतलब ये मर जाते होंगे तब रखा गया है, फिर इनको स्पेशली मार के यहाँ पे। यार मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, मुझे नहीं पता मैं गलत सोचती हूँ या सही सोचती हूँ, पर बहुत ज्यादा सोचती हूँ। आप लोगों को कुछ ज्ञान देना हो इस टॉपिक पे तो प्लीज़ प्लीज़ स्वागत है आपके ज्ञान का, प्लीज़ मुझे थोड़ा ज्ञान दे दीजिएगा, बहुत ज़रूरत है यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें। ये देखिए सांप, वापस हम लोग बटरफ्लाइज पे आ गए हैं, तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, पर ये देखिए बीच में, ये देखिए ये सबसे बड़ा वाला अभी तक दिखा है जानवर, ये जंगली भैंसा है, इसको भी रखा गया यहाँ पे, पता नहीं क्यों। ये देखिए आप लोग, और भी बहुत सारे मतलब लगभग तो मैंने अभी तक जितने जानवरों के बारे में पढ़ा या सुना था उससे ज्यादा ही जानवर मुझे यहाँ पे दिख गए हैं। ये देखिए, ये घड़ियाल और उसका छोटा सा बच्चा भी है, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको,
ये देखिए। चलिए इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और लेंदी हो जाएगी, इतना आप लोग देखते हो नहीं, 1-1.5 मिनट देखते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। और हाँ, कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।